हमारे साइबर पॉइंट नाइन यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। आज जो मैं बात करूंगा टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस के कुछ क्वेश्चन आंसर की, ठीक है। आज मैं बात करूंगा ये जो वो क्वेश्चन है जो टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस में पूछे जाते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि अभी जो वीडियो देख रहे होंगे आप, अगर जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये DRDO के एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रही है और NTRO और BSCC और बहुत सारे एग्ज़ाम जो टेक्निकल असिस्टेंट पे होते हैं कंप्यूटर साइंस के लिए स्पेशली, वो नज़दीक आ चुका है। तो उस रीजन से मैं इस क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करूंगा और ताकि आपको क्वेश्चन का व्यू पता चले, क्योंकि मैं इसी फील्ड में तैयारी करवाता हूं सबको, तो मेरा फ़र्ज है कि मैं क्वेश्चन आंसर भी बनाऊं और उसको सॉल्यूशन करके आपको दिखाऊं, ठीक है। और आपको और भी क्वेश्चन आंसर देखने हैं तो मैंने इसरो का जो है, इसरो का 2018-2017 वो वैसे बीटेक लेवल का है, जो साइंटिस्ट का एग्ज़ाम होता है उसका मैंने पूरा का पूरा सॉल्व कर दिया है, वीडियो अपलोड है, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन ये जो है डिप्लोमा बेस्ड और BSc के लिए जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें जो टेक्निकल असिस्टेंट के क्वेश्चन पेपर आते हैं वो कैसे आते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन पैटर्न पूछे जाते हैं, उस पर हम बात करेंगे आज और उनके क्वेश्चन आंसर को हम देखेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन वैसे सबको फायदा करेगा, चलिए देखते हैं बिना देर करते हुए। कभी बार क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, अगर आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो आपको जरूर लगाना चाहिए, ठीक है। चलिए टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस, जैसे कि क्वेश्चन है 2016 का क्वेश्चन है, संडे को एग्जाम हुआ था, 1.5 घंटे का टाइम मिलता है, 60 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। ये TA करके एग्जाम होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को हम देखते हैं बिना देर करते हुए। जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, पहला क्वेश्चन आ रहा है डेटाबेस का क्वेश्चन है, इन रिलेशनल स्कीमा इस ट्यूपल इज डिवाइडेड इनटू फील्ड इज कॉल्ड, रिलेशनल स्कीमा में कहता है, रिलेशनल स्कीमा में जो ट्यूपल को, अगर ट्यूपल्स जिसको रोज भी कहते हैं, ठीक है, उसको, उसके अंदर जो फील्ड होते हैं उसको क्या कहा जाता है, उसको क्या कहते हैं आपको बताना है। तो बहुत ही आसान सा आंसर है, मैंने पहले बताया था डेटाबेस का, जब मैं MCQ करवा रहा था तो मैं बताया था कि इसका आंसर होता है डोमेन्स, ठीक है, डोमेन्स, इसका आंसर आप लगा लेंगे डोमेन। अब दूसरा क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन का, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, लेट 2x + 3y = 5xy फाइंड dy/dx, ठीक है। कहता है कि 2x + 3y = 5xy, यदि ऐसा है तो बताइए dy/dx क्या है। तो आपको पता है अगर आपने डिफरेंशिएशन, अगर डिप्लोमा आपने किया है तो उससे डिफरेंशिएशन से सिलेबस में है, ठीक है, सेकेंड ईयर में शायद रहता है, ठीक है, रहता है। तो 2x + 3y = 5xy को डिफरेंशिएट आप कर रहे होंगे तो इसका आंसर आएगा आपको सी, 2 - 5y / 5x - 3। अगर आपको इसका नहीं आता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, तो हम कमेंट में आपको इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो इसका मैं थोड़ा बता दूं कैसे होता है, 2x + 3y है तो आप डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में, तो 2x का जगह 2, 3y का जगह 3 dy/dx, ठीक है, एंड 5xy का हो जाएगा 5 × फिर 5x पकड़ेंगे, फिर dy/dx × 5x, फिर y को पकड़ेंगे तो 5x का 5 हो जाएगा, ठीक है, फिर dy/dx कॉमन लेके फिर इसका आंसर आप निकाल पाएंगे, ठीक है। चलिए इसका मैं आंसर का टिक भी लगा देता हूँ, ठीक है, वैसे आप, मैं बोल देता हूँ तो वीडियो को आप रोक के आंसर को टिक भी लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं इसे टिक लगा दूँ, जैसे कि इसका आंसर हो गया डोमेन्स, ठीक है, इसका आंसर हो गया सी। चलिए यहाँ पे सॉफ्टवेयर किसका प्रथम चरण है, विच वन इज सॉफ्टवेयर फेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ठीक है, बहुत ही आसान सा आंसर है इसका, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये, क्योंकि मैंने बता चुका है पहले, अगर आप वीडियो मेरा पूरा फॉलो कर रहे हैं, अगर आप MCQ जो मैं MCQ हर सप्ताह जो मैं 2-3 MCQ 50-10 करवाता रहता हूँ, मैं सॉफ्टवेयर डिजाइन में बताया था कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस जो होता है किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का पहला फेज होता है, पहला फेज मतलब कि अगर आपको सॉफ्टवेयर बनाने में लाया तो सबसे पहले बात है कि आप रिक्वायरमेंट एनालिसिस करेंगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, यानी कि पहले आप डिजाइन कोडिंग टेस्टिंग के लिए बैठ जाएंगे, सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, तो रिक्वायरमेंट इसका आंसर हो जाएगा पहला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन जो आ रहा है, अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर आ रहा है 4 नंबर का, क्या कहता है, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स यानी द पोस्टफिक्स इक्वेलेंट टू प्रीफिक्स, एक प्रीफिक्स आपको दिया हुआ है, आपको पोस्टफिक्स उसका निकालना है, ठीक है, इसके इक्वेलेंट पे पोस्टफिक्स डेटा स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, तो इसके लिए तो आपको मेरी वीडियो वो वाली वीडियो देखनी पड़ेगी जहाँ पे मैंने पोस्टफिक्स कन्वर्सन प्रीफिक्स और इनफिक्स भी तीनों बताया था, ठीक है, आपको वो देखना पड़ेगा, स्टैक से बताया था और सिंपल मेथड से बताया था, बहुत अच्छा ट्रिक मैंने बताया था, आप वीडियो देख सकते हैं आपको वहाँ पता चल जाएगा। चलिए मैं इसका आंसर यहाँ पे वैसे बता दूँ कि यहाँ पे इसका आंसर अगर आपको पता है तो आप बना के इसको आप मैच करवा सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, यहाँ पे पोस्टफिक्स से जब कन्वर्ट करेंगे इस प्रीफिक्स को तो यहाँ पे आंसर ए आएगा, ठीक है, ए, आप यहाँ पे ए टिक लगा सकते हैं। चलिए इसका मैं टिक लगा दूँ, मैं पेन ले लूँ, पेन कहाँ चला गया, ठीक है, इसका आंसर होगा ए। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू
फॉर टू फेज लॉकिंग, कहता है इसमें से कौन सा सही है टू फेज लॉकिंग में, ठीक है, ये डेडलॉक का क्वेश्चन है, आप ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें कह रहा है कौन सा ट्रू है टू फेज लॉकिंग में, हम की जब बात करेंगे कौन सा ट्रू है, तो मैं बता दूं इसके थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है डी में, यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए, क्योंकि लॉग एजुकेशन ट्रू इज द सेकंड फेज, ये सही बात है, लॉग कैन बी एक्वायर्ड बाय एट एनी टाइम, ये भी सही है, लॉग्स आर एक्वायर्ड इन फर्स्ट फेज, ये भी सही है, ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे होगा, ठीक है। आप यहाँ पे क्योंकि मैंने हर जगह इंटरनेट से भी देखा, सब जगह बुक्स में भी देखा, मेरी जो नॉलेज की बात है, जो मैंने भी एग्जाम्स दिया है, जो भी तैयारियां की है, आप दूसरों ने जो बात की, इसका आंसर डी ही होगा, ऑल ऑफ द अबव होगा, यहाँ पे नन ऑफ द अबव नहीं होगा, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव कर लेंगे आप, ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पे, तो इसका क्योंकि ये सारे के सारे फेज कह रहा है कि कौन सा ट्रू है, तो सारे के सारे ट्रू है इसके, ठीक है, लॉन्ग सेकेंड फेज में होता है, किसी भी समय आप लोग एक्वाइट कर सकते हैं, और फर्स्ट फेज होता है लॉग का, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, द सर्चिंग टेक्निक इन विच देर आर नो अननेसेसरी कंपेरिजन इज कॉल्ड, कहता है सर्चिंग टेक्निक में, ये सारे के सारे सर्चिंग टेक्निक है, बाइनरी सर्चिंग, सिक्वेंशियल सर्चिंग, हैजिंग, सारे के सारे सर्चिंग टेक्निक है, तो कह रहा है कि इसमें से कौन सा सर्चिंग टेक्निक है जिसमें से कंपेरिजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, कंपेरिजन की आवश्यकता नहीं पड़ती, आपको पता होगा हैजिंग, हैजिंग में जो कंपेरिजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, आपने पढ़ा होगा, तो हैजिंग में कंपेरिजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब थोड़ा स्पीड करूंगा मैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखता हूँ, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ना जाने कितनी बार पूछा जा चुका है, ठीक है, ये बीएससी का जो क्वेश्चन है सर सॉल्व कर रहा था उसमें पूछा गया है, और गेट में भी छोटा में क्वेश्चन में कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है, तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड कोड टू रिप्रेजेंट अल्फाबेट्स एंड फंक्शन कैरेक्टर इज, कहता है कि सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होने वाला अल्फाबेट और पंक्चुएशन कैरेक्टर को कौन सा है, BCD binary code decimal, SCCI या American Standard Code for Information Interchange या EBCDII या Extended Binary Code for Decimal Information Interchange, तो मैं बता दूं इसका आंसर जगह बी, ACII जो है ये सबसे ज़्यादा यूज होता है, ACII सबसे ज़्यादा यूज होता है, ठीक है, आप टिक लगा लेंगे, लीजिए मैं भी टिक लगा देता हूँ बी, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा क्लास का सदस्य नहीं है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ अ क्लास, क्लास का अगर आपने उप्स का कंसेप्ट सही से पढ़ा होगा तो आपको ये आंसर पता होगा कि इसमें से कौन सा मेंबर क्लास का, स्टैटिक फंक्शन क्लास का मेंबर है, फ्रेंड फंक्शन नहीं है, क्लास का मेंबर फंक्शन नहीं होता, फ्रेंड फंक्शन कॉन्स्टेंट फंक्शन होता है, वर्चुअल फंक्शन होता है, लेकिन ये नहीं होता है। चलिए 9 नंबर का देखते हैं, यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि ये आपको दिया हुआ, इसको टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ये भी बहुत सारा बहुत ही आसान आंसर, अगर आपने मेरा वो वाला वीडियो देखा होगा कि जहाँ मैंने वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट, बाइनरी टू हेक्सा, हेक्सा टू डेसिमल, जो मैंने कन्वर्जन सिखाया है उसमें भी आप देख सकते हैं, और वैसे मैंने ऑब्जेक्टिव में मैंने ये सिखाया था, ऑब्जेक्टिव में जब करवा रहा था डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम का, तो उसमें मैंने बताया था। चलिए कोई बात नहीं, मैं बता दूँ फिर से आपको कि टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सबसे पहले आपको वंस कॉम्प्लीमेंट कन्वर्ट करना होता है, इसको पहले वंस कॉम्प्लीमेंट कन्वर्ट कैसे करेंगे, इसमें आप इसमें वंस कॉम्प्लीमेंट कन्वर्ट करना आसान है कि इसका आप अपोजिट लिख देंगे, जीरो का वन, जीरो का वन, वन का जीरो, इस तरह से अपोजिट लिख देंगे सबका, फिर प्लस वन जोड़ देंगे, तो आपको जो भी आंसर आएगा वो इसका इसमें आप मैच करा लेंगे, इसका आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए जैसे मैंने निकाल लिया इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा 9 का सी, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, आप निकाल लेंगे सी। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा है, वीवो आईपी का अर्थ क्या है, इसका फुल फॉर्म को बताना है, तो आपको पता होगा वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, वीवो आईपी का फुल फॉर्म होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, बीस का आंसर हो जाएगा, ठीक है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। चलिए मैं इसका भी टिक लगा दूं। चलिए वैधिकरण के दौरान, ड्यूरिंग वैलिडेशन, ड्यूरिंग वैलिडेशन कहता है, ड्यूरिंग वैलिडेशन क्या चेक किया जाता है, प्रोसेस चेक किया जाता है, प्रोडक्ट चेक किया जाता है, या डेवलपर्स परफॉर्मेंस चेक किया जाता है, ये सॉफ्टवेयर डिजाइन का क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर डिजाइन से बता दो क्वेश्चन आते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, इसलिए आप वो भी वीडियो मेरा जरूर देखें, एमसीक्यू का जो मैंने करवाया है उसमें सारे के सारे क्वेश्चन फंस रहे हैं, ये भी मैंने करवाया, ठीक है, जिसका आंसर हो जाएगा बी, प्रोडक्ट की चेकिंग होती है ड्यूरिंग वैलिडेशन के कारण। तीसरा क्वेश्चन है, जब आप एल एन माइनस एस कमांड का उपयोग करते हैं तो निम्नलिखित में क्या होता है, इसमें से क्या होता है आपको बताना, जब एल माइनस एस कमांड का उपयोग करते हैं तो इसमें से क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं जो एल माइनस एस कमांड है, ये तो क्वेश्चन यूनिक्स का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत लोगों को नहीं आता, मैं बता दूं जिस तरह से आप विंडोज में शॉर्टकट बनाते होंगे उसी तरह से यहाँ भी शॉर्टकट्स बनते हैं, ठीक है,
जो विंडोज आप शॉर्टकट्स बनाते हैं, सिंपल से मान लीजिए अभी शॉर्टकट्स बनते हैं, अगर आप एल माइनस एस करते हैं तो इससे क्या होता है, एक शॉर्टकट फाइल क्रिएट हो जाती है किसी फाइल की, वो यूनिक्स में हो जाता है। तो आप कह देंगे पहला इसका आंसर हो जाएगा फाइल इज क्रिएटेड दैट पॉइंट सेंड एग्जिस्टिंग फाइल, एक फाइल क्रिएट हो जाएगी जो कि अगर यहाँ पर सिंपल एल एन होता तो उससे एक हार्ड फाइल क्रिएट होती है। ध्यान रखेंगे दो टाइप की फाइल यहाँ पर, एक सॉफ्ट फाइल एक हार्ड फाइल, ठीक है। वैसे क्वेश्चन जो पूछ रहा है मैं उसके बारे में बता दूँ, अगर आपको इसके बारे में जानना है तो इसके बारे में आप कमेंट करें, इसके बारे में मैंने बड़ा अच्छे से वीडियो बनाया था, लेकिन वो आप लोग के लिए वीडियो मैंने बनाया नहीं था, वो वीडियो बनाया था मैंने गेट लेवल के लिए, ठीक है। तो वीडियो मैं आप लोगों को बना दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 12 के बाद इंटर प्रोसेसिंग कम्युनिकेशन क्या है, ठीक है। इंटर प्रोसेसिंग कम्युनिकेशन क्या है, ये क्वेश्चन क्वेश्चन क्या नंबर का आ गया, क्वेश्चन कितना नंबर का है देख लो, क्वेश्चन आ गया ये मैं देख लो क्वेश्चन कितना नंबर का आ गया, ये छूट तो नहीं गया कहीं पे, ये 12 नंबर का क्वेश्चन तो हो गया, 12 तक हो चुका है, ठीक है, 12 तक हो चुका है। अब करेंगे हम 13 का क्वेश्चन है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या है आप कोशिश करेंगे पहले, ठीक है। तो इज नेवर नेसेसरी, हमेशा नहीं होता, अलाउज प्रोसेस टू सिंक्रोनाइज, ये बात सही है। ये जो है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन जो क्या होता है, मैं बता दूं इसका मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप पढ़े होंगे उसमें इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम इनबिल्ट आता है, वो क्या करता है किसी प्रोसेस को सिंक्रोनाइज करवाता है, जो बैकग्राउंड पे काम चल रहा होता है सबको सिंक्रोनाइजेशन काम करवाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्रिप्टोग्राफी में साइफर क्या है, इन क्रिप्टोग्राफी में साइफर क्या है, तो इसका साइफर जो है ए इसका आंसर हो जाएगा एल्गोरिथम फॉर परफॉर्मिंग इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन, एक ऐसा एल्गोरिथम है जो कि इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन पे परफॉर्म करता है, ठीक है, एल्गोरिथम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं अब यहाँ पे, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट रीड्स रिएक्ट रिस्पॉन्ड इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल टाइम, कहता है इसमें से क्या ऐसा है जो कि रियल टाइम, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे बैच सिस्टम, एक ऑपरेटिंग सिस्टम आया था सबसे पहले, फिर क्विक रिस्पॉन्स टाइम आया, रियल टाइम आया, ठीक है, इस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम आया। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एक्चुअल टाइम पे काम करता है, ठीक है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एक्चुअल टाइम, तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट रीड्स एंड रिएक्ट्स रिस्पॉन्ड इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल टाइम, 15 का, ठीक है, 15 का सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं इसका भी टिक लगा दूँ, आप ऐसे वीडियो को रोक के आप आंसर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए कर्नल मॉड्यूल्स, बाय डिफॉल्ट कर्नल मॉड्यूल्स आर प्रेजेंट इन, बाय डिफॉल्ट जो है कर्नल मॉड्यूल्स कहाँ पे होते हैं, बाय डिफॉल्ट कर्नल मॉड्यूल कहाँ पे होते हैं, तो लिब डायरेक्टरी में होते हैं, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में सही क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सही क्या है वो बताना है कि एसक्यूएल अगर आपने पढ़ा है तो इसमें से निम्नलिखित में सही क्या है। तो ये क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ ये बहुत ही फायदा करेगा, आपको ध्यान से देखना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको खुद से भी कोशिश करनी चाहिए कि आंसर मैं कहाँ पे गलत हूँ कहाँ पे सही है, तो आप वहाँ पे मैच कर पा रहे होंगे। पहला जो क्वेश्चन है, एन एसक्यूएल क्वेरी ऑटोमेटिकली एलिमिनेट्स डुप्लीकेट, बहुत सही। एन एसक्यूएल क्वेरी विल नॉट वर्क इफ देयर इज नो इंडेक्सेस ऑन रिलेशन, नहीं, गलत है। एसक्यूएल परमिट्स एट्रीब्यूट्स, ये भी गलत है, ठीक है। तो पहला इसका आंसर सही हो जाएगा, एसक्यूएल क्वेरी जो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट्स डुप्लीकेट्स को ऑटोमेटिकली एलिमिनेट कर देता है अगर आप रिडंडेंसी की बात कर रहे हो तो, ठीक है, हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, तो ये है जावा का प्रोग्राम है, ठीक है, जावा का प्रोग्राम दिया गया है, सिंपल से जावा का प्रोग्राम है आपको बताना है, जावा का प्रोग्राम है। पहले चलिए मैं कर देता हूँ आपको, आप भी वैसे इसका आउटपुट आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि क्लास बनाया स्ट्रिंग टेस्ट, उसके बाद एक मेन फंक्शन बनाया गया, ठीक है, एक स्ट्रिंग टाइप की ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो कि वेरिएबल है जिसमें हेलो है, फिर ऑब्जेक्ट वन है जिसमें वर्ल्ड है, फिर ऑब्जेक्ट टू है जिसमें फिर हेलो है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंट आउट करने के लिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट इक्वल्स ऑब्जेक्ट वन, ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट इक्वल्स ऑब्जेक्ट वन, ओबीजी यहाँ पे हेलो है, और ऑब्जेक्ट वन से कंपेयर कराएंगे, हेलो और हेलो वर्ल्ड में कंपेयर करेंगे, क्या सही है, नहीं सही है, हेलो और हेलो वर्ल्ड दोनों कंपेयर नहीं होगा, तो क्या आ जाएगा इसका, पहला फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद करते हैं ऑब्जेक्ट डॉट इक्वल्स ऑब्जेक्ट टू, फिर हेलो और फिर हेलो से ही ऑब्जेक्ट टू में हेलो है, दोनों को कंपेयर करा रहे हैं, तो ये सही है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स टू, ठीक है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स टू, आप भी करके देख लेंगे, इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स टू, ठीक है। चलिए फिर एक और क्वेश्चन है,
19 नंबर का, ठीक है। तो कहता है कि जब भी आप किसी कोई प्रोग्राम रन कराते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम व्हाट इज द करेक्ट वैल्यू टू रिटर्न टू द ऑपरेटिंग सिस्टम अपॉन द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ सी प्रोग्राम। कोई भी सक्सेसफुल कंप्लीशन जब होता है कोई प्रोग्राम का, सी प्रोग्राम का, तो क्या ऑपरेटिंग सिस्टम रिटर्न कराता है, क्या सिस्टम। बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, गेट में बार बार पूछा जा चुका है। मैं बता दूं कि ये तो टेक्नोलॉजी क्वेश्चन है ही, लेकिन गेट में भी क्वेश्चन पूछता है कि लोग कन्फ्यूज कर जाते हैं। जनरली 1 लगा के आता है, लेकिन यहाँ पे आंसर हो जाएगा 0, आंसर हो जाएगा 0, ठीक है। इसका मैं टिक लगाना चाहूंगा, 0 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसी भी प्रोग्राम की बात करें, अगर सी पे नहीं लिखा रहेगा तो उसका आंसर 0 हो जाएगा। अब पी टाइप सेमी कंडक्टर का अर्थ क्या है, पी टाइप सेमी कंडक्टर का अर्थ क्या है, ठीक है। तो आप बताना है आपको, तो क्या है पी टाइप सेमी कंडक्टर, आपने पढ़ा होगा। तो इसका अगर आपने पढ़ा है तो इसका आप कमेंट में आंसर लिखें। चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए है, कमेंट में आप इसका आंसर लिखें, ठीक है। पी टाइप वीडियो को रोक के आप इसका आंसर देखें और आप कमेंट करें, ठीक है। और आपसे नहीं होगा तो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन आप लोग भी करें, चलिए मैं तो सब बता रहा हूँ। जैसे कि क्वेश्चन फिर से आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कांसेप्ट ऑप्स मींस एक्सपोजिंग ओनली नेसेसरी इन्फॉर्मेशन टू क्लाइंट। कहता है इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्स का कंसेप्ट है जो कि दिखाता है कि वही इन्फॉर्मेशन जाए यूजर्स को जो इसके लिए रिक्वायरमेंट है, ठीक है, और सभी क्वेश्चन ना, सभी आंसर ना चला जाए, ठीक है। चलिए बताना है आपको, आप बता सकते हैं, बहुत ही आसान सा है, 21 का, ठीक है। 21 का आपको बताना है, तो ये हो जाएगा तो ये उप्स का अगर कंसेप्ट में बढ़ा होगा, तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन को हम डेटा हेडिंग भी कहते हैं। उसमें आपने सुना होगा कि डेटा एब्स्ट्रैक्शन का डेफिनेशन ही कहता है कि डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज द प्रोसेस टू हाइड द बैकग्राउंड डिटेल्स फ्रॉम द यूजर। इसलिए इसका आंसर है डेटा हाइडिंग, ठीक है। हम उन्हीं इन्फॉर्मेशन को देते हैं जो कि यूजर्स को यूजफुल हो, रिक्वायरमेंट हो, हम जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है उसको हम वही देते हैं और फालतू का इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल एटीएम मशीन हो गया। चलिए अगला चलते हैं, 22 नंबर, XML उपयोग होता है, XML यूजेज, ठीक है। ये बेसिकली दोस्तों जो क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराने का मकसद जो ये है कि जिन भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आंसर नहीं प्रोवाइड करवाए जाते हैं, जैसे कि DRDO हो गया, BSCC हो गया, या बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिसमें नहीं प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन का मेनली बेसिक का पैटर्न क्या होता है, क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं और क्वेश्चन कैसा आता है। इससे आपको पता चलेगा कि चूंकि आप गलत डायरेक्शन में तैयारी ना कर रहे हो और सही डायरेक्शन में आप तैयारी कर रहे हो, तो इससे ये क्वेश्चन फायदा करता है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन बनाने का मकसद मेरा यही है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे जो आपने अभी YouTube में सर्च किया होगा, सभी इस टाइप से क्वेश्चन नहीं बना रहे हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ खासकर DRDO वालों का या NTRO वालों का या BSCC वालों का फायदा हो जाए, ISRO वालों का फायदा हो जाए, खासकर डिप्लोमा BSCC वालों का फायदा हो, ठीक है। चलिए साथ के साथ मैं ISRO और गेट की तैयारी करवाता हूँ, आप वो भी तैयारी करें, देखें, ठीक है। चलिए XML यूज क्या होता है, यूजर डिफाइंड टैग, प्रीडिफाइंड टैग, बहुत प्रीडिफाइंड, एक्सलेंट है, बहुत ही आसान सा इसका आंसर है। आपको पता है इसमें यूजर डिफाइंड टैग होता है, XML जो यूजर डिफाइंड टैग यूज करता है, आप जैसा टैग देंगे वैसा टैग इसमें होगा, इसमें कोई प्रीडिफाइंड टैग नहीं होता है, ठीक है। चलिए इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। आप भी साथ के साथ कोशिश करें, मैं चाहूंगा कोशिश करें, कमेंट करें, देखें कि आपने कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पाया, ठीक है। चलिए यूजर डिफाइंड टैग हो गया। अब है द ओवरहेड कोड रिक्वायर्ड टू बी रिटन फॉर यूनिट टेस्टिंग इज कॉल्ड, ठीक है। तो ओवरहेड कोड रिक्वायर्ड टू रिटन फॉर यूनिट टेस्टिंग के लिए कौन सा ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा इसका है कि स्कैफ होल्डिंग जो ओवरहेड कोड रिक्वायर्ड होता है यूनिट टेस्टिंग के लिए, ठीक है, स्कैफ होल्डिंग। चलिए अगला चलते हैं, 24 नंबर का FDDI इज अ, बहुत ही आसान, इसको मैंने कितना बार बताया रिंग नेटवर्क में, ठीक है। FDDI जो है रिंग नेटवर्क में यूज होता है, ठीक है, टोकन्स के लिए यूज होता है, बेसिकली FDDI टोकन्स के लिए, ठीक है। इसका आप कमेंट में फुल फॉर्म लिख के भेजें, अगर आप वीडियो देख रहे हैं अच्छे से तो आप कमेंट में इसका नेट में सर्च करें और इसका मुझे चाहिए क्या फुल फॉर्म चाहिए, ठीक है। मैंने इससे पहले भी क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा है, तो उसका भी आप और इसका भी साथ में करेंगे। चलिए अगर आप सच में तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कंसिस्टेंट तैयारी कर लिए, तो आप जरूर कोशिश कर रहे होंगे। अब जनरल पर्पस आर दोज दैट कैन अडोप्टेड काउंटलेस यूजेस सिंपली बाय चेंजिंग इट्स। कहता है जनरल पर्पस कंप्यूटर जो है सिंपली किस चीज कोई चेंज करने से काम कर चल जाता है, ठीक है। सिंपल है प्रोग्राम का आंसर हो जाएगा, ठीक है, नहीं कीबोर्ड, नहीं प्रिंटर, नहीं डिस्प्ले स्क्रीन, प्रोग्राम। चलिए 26 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इन कोडिंग इज, इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कोडिंग के लिए आपको बताना है। एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इज कोडिंग इज रीडेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, या टू यूज एज स्मॉल मेमोरी स्पेस एज पॉसिबल, ब्रेविटी।
तो मैं बता दूं, इन किसी भी कोडिंग का जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो होता है वो होता है रीडेबिलिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रीडेबिलिटी। ठीक है, इसका आंसर लगाएंगे आप ए, रीडेबिलिटी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए हम 26 तक कर लिए हैं, और भी कुछ क्वेश्चन है आप आराम से देख लें। ठीक है, अब है फाइंड द यूनिवर्सल गेट फ्रॉम बिलो। बहुत ही आसान कह सकते हैं, कह रहे यूनिवर्सल गेट खोजना कह रहा है। तो आपको पता है दो ही यूनिवर्सल गेट होते हैं, एक नैंड होता है, ठीक है, एक नॉर होता है। ठीक है, नैंड और नॉर, तो आपको इसमें से यूनिवर्सल गेट बताना है। तो यूनिवर्सल गेट इससे आपको पता है यहाँ पे नैंड है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि एंड नॉट एक्सोनर इसमें कोई नहीं है, नैंड है। आपको पता है कि अगर आपने लॉजिक गेट के बारे पढ़ा होगा, सबसे ज्यादा जो यूनिवर्सल गेट यूज होता है, यूनिवर्सल गेट ही यूज होता है सबसे ज्यादा। ठीक है, हर एक काम को कर लिया जाता है इस यूनिवर्सल गेट से। इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए मैं इसका आंसर लगा दूं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, या इसका आप आंसर नन लगा लेंगे। ठीक है, 27 का इसमें से कि कौन सा इसमें स्टेटमेंट करेक्ट, कंस्ट्रक्टर के बारे में है। कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। सही बात है कि कंस्ट्रक्टर जो है तभी कॉल हो जाता है जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो तीन ऑप्शन गलत है, पहला ऑप्शन ये सही है। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी चली जाएगी इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड करूंगा। 28 का आंसर ए हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो रही है तो आप हमें कमेंट करें, मैं उसका और भी ज़्यादा क्या कहते हैं एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। ठीक है, वीडियो नहीं तो लंबी चली जाती है। चलिए आप बस क्वेश्चन को टिक करें और क्वेश्चन मिला लें। ठीक है, वीडियो को रोक के आप क्वेश्चन पढ़ लें और आप खुद से कोशिश करें अगर आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, इससे आपको पता चल जाएगा कि कैसा क्वेश्चन आते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फुल, उसके बाद क्वेश्चन पहला नहीं है, 29 का क्वेश्चन है। ठीक है, 29 कुछ छोटी तो नहीं है, 28 का हो गया ना, 28 का हो गया। ठीक है, 29 क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैंट बी डन विद क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट। क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट से क्या नहीं किया जा सकता है, 29 का है, क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट से क्या नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आप करेंगे इसमें से वैलिडेटिंग अ फॉर्म है, सेंडिंग अ फॉर्म्स, वैलिडेटिंग फॉर्म कर सकते हैं, सेंडिंग फॉर्म्स कंटेंट्स बाय ईमेल। ठीक है, क्या सेंडिंग ईमेल कर सकते हैं, सेंडिंग फॉर्म्स डाटा कंटेंट्स क्या कर सकते हैं, क्या कोई नहीं। ठीक है, आप इसको कमेंट में लिखेंगे 29 का। ठीक है, चलिए इंटरनेट यूआरएल टॉप लेवल डोमेन ओआरजी क्या प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, ओआरजी का मतलब टॉप लेवल डोमेन में जो आते हैं कॉम डॉट कॉम आते हैं, डॉट इन आते हैं, ओआरजी आते हैं, डॉट इन आते हैं, सब आते हैं। ठीक है, तो ओआरजी का मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका आंसर जगह बी, 30 का बी। आपको मैंने तीन क्वेश्चन आपके लिए छोड़े हैं, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन है, आपको उसको कमेंट में करना है। ठीक है, 2 ही क्वेश्चन है, अभी एक मैंने छोड़ा, इससे पहले छोड़ा था, कमेंट में आपको लिखना है अगर आप वीडियो देख रहे हैं सही से। तो अगर आप कंसिस्टेंट है तो आप करें, ठीक है, नहीं तो मैं आपको आंसर बताऊंगा। ठीक है, उसका आंसर आपको करने से आपको पता चलेगा कि आपको उससे बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए, इसलिए मैंने छोड़ा हुआ है। ठीक है, ठीक है, 30 का उसका आंसर रहेगा बी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, 30 का बी। चलिए रूट वास्तविक रूप में क्या है, बाय डिफॉल्ट व्हाट इज रूट, रूट क्या है, तो रूट क्या है, रूट फाइल सिस्टम है, होम डायरेक्टरी ऑफ द रूट यूजर है, क्या आपको बताना है। ठीक है, तो ये जो है होम डायरेक्टरी ऑफ द रूट यूजर है। ठीक है, होम डायरेक्टरी ऑफ द रूट यूजर है। ठीक है, आप टिक लगा लेंगे। चलिए अगला चलते हैं, एसजेएफ एल्गोरिथम, एसजेएफ एल्गोरिथम क्या है, एग्जीक्यूट फर्स्ट जॉब दैट लास्ट एक्सटेंडेड द क्यू। ठीक है, तो इसका आंसर बता दूं आपको, ये जो है 32 का सी है, एग्जीक्यूट फर्स्ट जॉब विथ लीस्ट प्रोसीजर इंडेक्स। मैं बता दूं कि ये जो है दो टाइप से काम होता है, पहले ये समझा दूं आपको, शॉर्टेस्ट जॉब एल्गोरिथम है ये, दो टाइप से काम होता है, एक प्रिमिटिव एक नॉन प्रिमिटिव, और ये उस पे काम करता है कि पहले ये उस पे काम करता है जिसका जो है ये कोई मतलब नहीं कि क्या कहते हैं कि कौन पहले आया कौन बाद में आया, ऐसे इसको कोई मैटर नहीं करता है, FCFS की तरह किसी और की तरह इसको मैटर करता है कि इसका क्या मैटर करता है। तो इसमें जो क्या होता है कि SJF में कि ये उन प्रोसेसों को पहले लेता है जो कि जिसको जो कि CPU में जो कम टाइम में एग्जीक्यूट हो जाए, यानी छोटा प्रोसेस को देखता है, इसलिए इसका आंसर रहेगा सी, एग्जीक्यूट फर्स्ट जॉब विथ लिस्ट प्रोसेस नीड्स। ठीक है, इसका आंसर रहेगा सी। ठीक है, देखिए मैं भी चाहता हूँ कि सभी क्वेश्चनों का ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मैं करूँ, लेकिन वीडियो थोड़ी लंबी चली जाती है, तो अगर मैं वो करने लगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी चली जाएगी, इसलिए मैं क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व करूंगा। और आप कमेंट करें अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो मैं इसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, नहीं तो वीडियो लंबी चली जाती है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन में बिना देर करते हुए। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग इज डन बाय, मुझे भी खुद कंट्रोल नहीं होता है तो इसलिए मैं कुछ क्वेश्चन का बता देता हूँ। ठीक है, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग इज डन बाय, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग जो है ऑल ऑफ द इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि डेवलपर्स कस्टमर्स टेस्टर्स तीनों ही करते हैं एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। इसके दो टाइप्स होते हैं, एक अल्फा टेस्टिंग है, बीटा टेस्टिंग होती है, ये मैंने वीडियो में बता चुका है पहले से। ठीक है, टेस्टिंग के जो मैं सॉफ्टवेयर डिजाइन में बता रहा था, ठीक है, आप वीडियो देख लें।
इन ट्रांजिस्टर एमिटर रेंज, ट्रांजिस्टर एमिटर में क्या होता है, हैवीली डॉप्ड होता है ट्रांजिस्टर एमिटर, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए 34 का। फोटोन एनर्जी क्या इमिट करता है फ्रिंग से, तो बी हो जाएगा इक्वल टू एचएफ, ठीक है। फोटोन एनर्जी फिजिक्स का क्वेश्चन है, फोटोन एनर्जी जो है पोजेस्ड बाय फोटोन व्हाइल इट मूव्स विद फ्रीक्वेंसी एफ, तो इक्वल टू एचएफ, ठीक है, 35 का बी हो जाएगा, ठीक है, एचएफ इक्वल टू एचएफ। अब है द फिजिकल लेयर ऑफ नेटवर्क इज, फिजिकल लेयर ऑफ नेटवर्क, फिजिकल नेटवर्क क्या है, तो फिजिकल नेटवर्क यहाँ पे देखेंगे आप क्या करता है, डिफाइंस द इलेक्ट्रिकल, डिफाइंस द इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिग्नल पासेज बिटवीन द कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन डिवाइसेस, ठीक है। कंट्रोल्स एरर डिटेक्शन, देखिए एरर डिटेक्शन जो है नेटवर्क में वो डेटा नेटवर्क लेयर करता है, इसलिए तो बी तो होगा नहीं। सी कंस्टेंट पैकेट, पैकेट की बात आ गई तो वो नेटवर्क लेयर पे काम होता है, ठीक है, तो ये फिजिकल लेयर की बात करें तो सिंपल से ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक सिग्नल पास टू क्या कंप्यूटर कम्युनिकेशन डिवाइसेस में, वो क्या कहते हैं ए हो जाएगा, ठीक है, 36 का ए। चलिए अगला देखते हैं 17 में, विच कमांड यूज टू प्रिंट अ फाइल, ठीक है, इसमें से कौन सा कमांड यूज होता है फाइल प्रिंट करने के लिए, ये क्वेश्चन जो है यूनिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है, प्रिंट पी टी आर एल पी आर, तो एल पी आर, एल पी या एल पी आर जो है कमांड यूज होता है प्रिंट को, फाइल किसी भी फाइल का प्रिंट देने के लिए, ठीक है। एक अब है अ गुड स्पेसिफिकेशन शुड बी, एक अच्छी स्पेसिफिकेशन जो है क्या होगी, ये एक अगेन जो है क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है यहाँ पे, कि क्योंकि ऑप्शन गलत है, क्योंकि गुड एक्सप्रेशन अनएम्बिगुअस डिस्टिंक्टली स्पेसिफिक एंड फंक्शनल तीनों ही होंगे, इसके यहाँ पे हो जाएगा डी ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। चलिए निम्नलिखित पीएचपी कोड का आउटपुट क्या होगा, उसमें से निम्नलिखित पीएचपी अगर आपने पढ़ा होगा तो आप किसका आउटपुट प्रिडिक्ट कर पाएंगे, तो इस कोड को देखते हैं अच्छे से। यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, डॉलर से वेरिएबल्स यहाँ पे क्या कहते हैं डिक्लेयर कर रहे होते हैं, आपको पता होगा ए में फाइव है बी में फाइव है, ठीक है, तो जब यहाँ पे इको प्रिंट करवा रहे होंगे तो डॉलर ए की जगह पूरी तरह से, क्योंकि हो जाएगा फाइव और इक्वल इक्वल टू, ठीक है, फाइव, इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, तो इसका आंसर आप ए टिक कर लेंगे। चलिए अगला देखते हैं, फंक्शनल टेस्टिंग इज नॉन एज, फंक्शनल टेस्टिंग क्या है, फंक्शनल टेस्टिंग जो है क्या है आप बताएंगे, ठीक है, फंक्शनल टेस्टिंग इज नॉन एज, तो हम बात करते हैं फंक्शनल टेस्टिंग, फंक्शनल टेस्टिंग से पहले इसको एक बार और अच्छे से देख लेते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन सही से नहीं किया आपको, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो अगर यहाँ पे डबल कोट्स होता, अगर डबल कोट्स होता, ठीक है, यहाँ डबल कोट्स की बात कर रहा हूँ, तो ये दोनों स्ट्रिंग में चला जाता तो सिंपल फाइव कोट कोट फाइव हो जाता, लेकिन यहाँ पे जो है डबल कोट्स में नहीं है तो ये ए और बी दोनों को कंपेयर करेगा, तो आपको पता होगा कि डबल इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए तीन इक्वल्स टू है, तीन इक्वल्स टू का मतलब होता है कि जो कंपेरिजन होती है पी एच पी में या जावास्क्रिप्ट में तीन इक्वल्स होते हैं, ठीक है, अगर जावास्क्रिप्ट पी एच पी आपने एडवांस पढ़ा है तो इसमें दोनों में होता है, क्या होता है कि तीन इक्वल्स टू में जो है कि दोनों की वैल्यू तो चेक होती ही होती है, लेकिन साथ में इसकी डाटा टाइप भी चेक होती है, ठीक है, अगर यहाँ पे बी यहाँ पे स्ट्रिंग में भी अगर फाइव लिख देता मैं, अगर सिर्फ डबल इक्वल देता, ठीक है, एक इक्वल नहीं देता तो यहाँ पे सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे डाटा टाइप चेक नहीं करता, लेकिन अभी जो डाटा टाइप भी चेक करेगा, ठीक है, दोनों का टाइप इंटीजर ही है, ठीक है, और ये दोनों सही हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर बी, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं 40 नंबर, फंक्शनल टेस्टिंग इज नॉन एज, अब मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ठीक है, स्पीड थोड़ा जल्दी करूँगा, ठीक है, वीडियो बहुत ही लंबी जा रही है। फंक्शनल टेस्टिंग इज नॉन एज, फंक्शनल टेस्टिंग क्या है, फंक्शनल टेस्टिंग इज नॉन एज, फंक्शनल टेस्टिंग क्या है आपको बताना है, तो बता दूँ कि इसका आंसर जगह सी रिग्रेशन टेस्टिंग, ठीक है, फंक्शनल टेस्टिंग जो है रिग्रेशन टेस्टिंग है, इसको हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग भी कहते हैं। चलिए 41 में टी आर टी डी एन टी एच, ये सब किसके अंदर आते हैं, सिंपल सी बात है टेबल के अंदर आते हैं, ठीक है, टेबल, इसका आंसर जगह टेबल, ठीक है। उसके बाद कहाँ चला गया क्वेश्चन, आगे चला गया, ठीक है, मैं कर रहा हूँ फिर, ये हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद 42, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मुख्य उद्देश्य और प्राइमरी एम्स क्या है, ठीक है, 42 का आंसर आप बताएंगे, प्राइमरी एम्स क्या है इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा रिलायबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव सॉफ्टवेयर, ठीक है, रिलायबल सॉफ्टवेयर, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं, दोनों हो जाएगा, रिलायबल भी होना चाहिए और कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए, ठीक है। किस वर्ड में विषम समानता है, यानी कह रहा फाइंड विच हैज ओड पैरिटी, ये सिंपल सा ओड पैरिटी का क्वेश्चन है, और आपने पैरिटी पूछ जानते होंगे, तो पैरिटी का मतलब होता है इरर्स चेकिंग करना, ठीक है, टू फाइंड आउट द इरर्स, इसके दो टाइप्स होते हैं ओड पैरिटी इवन पैरिटी, तो यहाँ पे आपको पता करना था ओड पैरिटी का, ओड पैरिटी का मतलब वो होता है कि जिसमें भी ओड नंबर्स की वन आपको मिल जाए, जिनके आप देख लेंगे, ठीक है, तो आपको वो ओड हो जाता है, अगर इवन नंबर इवन नंबर की वन मिले तो आपको इवन हो, जैसे चार अगर वन है सारे में से, चार अगर आपको चार वन मिले तो आपको इवन होगा, अगर
थ्री या फाइव या सेवन मिले यानी ओड नंबर का मिले तो ओड हो जाएगा, ठीक है, आप यहाँ पे गिन लेंगे। तो मैंने गिन के देख लिया तो 43 का यहाँ पे डी आएगा, ठीक है, इसका आंसर का डी, ठीक है, आप टिक लगा लेंगे डी, ठीक। चलिए अगला देखते हैं, विच विल लीगली डिक्लेयर कंस्ट्रक्ट एंड इनिशियलाइज एन एरे इन जावा प्रोग्रामिंग। कहता है कि इसमें से कौन सा लीगल तरीका है, ध्यान रखेंगे लीगल तरीका पूछ रहा है, क्योंकि यहाँ पे तरीके एक दो ऐसे हैं कि जो कि काम कर जाते हैं, प्रोग्राम आपके रन हो जाएंगे, लेकिन इसमें से कौन सा लीगली डिक्लेयर तरीका है जिसमें कि हम इनिशियलाइज भी करवा सकें तो जावा में वो लीगल तरीका बना जाता है, ठीक है। इसमें दो तीन तरीके ऐसे हैं कि जो कि काम कर जाता है लेकिन लीगल तरीका वो बताना है, ठीक है। 44 का तो मैं बता दूँ आपको, इसका आंसर का बी, जो कि देखिए ए का भी आप करेंगे तो सही हो जाएगा, लेकिन बी जो लीगल तरीका है जिसमें आपको क्या कहते हैं करना चाहिए जावा में एरे को इनिशियलाइज और डिक्लेयर दोनों एक साथ। अब ऑपरेशन एम्पलीफायर के बारे में निम्नलिखित से कौन सा वाक्य सही है। ऑपरेशन एम्पलीफायर ये इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है, ऑपरेशन एम्पलीफायर बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं या इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसलिए चलिए आगे देखते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं ऑपरेशनल एम्पलीफायर मैं देख लिया क्वेश्चन तो बता ही देता हूं, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा उसका सी। ये जो हाई इनपुट रेजिस्टेंस और लो आउटपुट रेजिस्टेंस देता है, ठीक है, हाई इनपुट रेजिस्टेंस होता है इसमें और लो आउटपुट रेजिस्टेंस देता है, ठीक है। निम्नलिखित युग्मों में अति समुचित जोड़ी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये डाटा स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, आपको जानना चाहिए, ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर क्वेश्चन है, डाटा स्ट्रक्चर का नहीं, ये आपका माइक्रोप्रोसेसर क्वेश्चन है, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट अप्रोप्रिएट मैचिंग बताइए, आपको बताना है, यहाँ से आपको मैच करना, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग किससे होता है आपको बताना है, ठीक है, तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग किससे होता है आपको ये बताना है, ठीक है, और इमीडिएट एड्रेसिंग किससे होता है, आउट ऑफ डॉक्यूमेंट एड्रेसिंग किससे होता है, ठीक है, तो आपको बताना है। तो 46 का जो है एक्स का 2, ठीक है, तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग जो है पॉइंटर से होता है, ठीक है, एड्रेसिंग पॉइंटर से होता है, फिर वाई का 3 यानी सी इसका आंसर होगा, मैं आपको पता नहीं चाह रहा हूँ सी इसका आंसर है, ठीक है, आप यहाँ पे मैच करके आप यहाँ देख लेंगे, वाई का 3 दैट इमीडिएट एड्रेसिंग यानी कॉन्स्टेंट इमीडिएट एड्रेसिंग जो कॉन्स्टेंट से होता है, और डॉक्यूमेंट एड्रेसिंग जो लूप से होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि गेट का क्वेश्चन है, ठीक है, मैं जब इसका सॉल्यूशन कर रहा था तो गेट में भी पूछा गया है, ठीक है, और इसरो में भी पूछा गया है, तो जाहिर सी बात है कि अगले जो एग्जाम्स आने वाले हैं उसमें भी पूछा जा सकता है, ठीक है, क्वेश्चन रिपीट हुआ है, क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो चुका है, ठीक है, तो एक बार देख लेंगे फिर से, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग जो पॉइंटर्स से होता है, ठीक है, और इमीडिएट एड्रेसिंग जो होता है वो कॉन्स्टेंट के द्वारा किया जाता है, और ऑटो डॉक्यूमेंट एड्रेसिंग जो होता है वो लूप के द्वारा किया जाता है। इनमें सबसे ज़्यादा तेज डाटा ट्रांसफर कौन है, तो इसमें सबसे ज़्यादा तेज जो होता है डीएमए होता है, ठीक है, तीन टाइप्स के होते हैं, प्रोग्राम इनपुट आउटपुट इंटरप्ट, ठीक है, डीएमए, तो डायनेमिक एमएमआर एक्सेस सबसे ज़्यादा डाटा फास्ट होता है। यूनिक्स क्या है, यूनिक्स जो है इज मल्टी यूजर इज मल्टी टास्किंग कैन रन लार्ज सिस्टम ऑल ऑफ द, इसका आंसर हो जाएगा डी, ये मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग होता है, यूनिक्स आपको पता है एक साथ मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग होता है और किसी भी बड़े पीसी और लार्ज सिस्टम पे रन हो सकता है, तो ऑल ऑफ द हो जाएगा, ठीक है, डी इसका आंसर हो जाएगा। 49 चलते हैं, अब बहुत ही ज़्यादा समय लग रहा है, 49 चलते हैं, ये आपको बताना है, ये न्यूमेरिकल है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ये गेट का आ चुका है, इसरो में आ चुका है, यहाँ पे है कि यहाँ पे जो है आपको बताना है आपको, तो इसमें क्या करना है आपको कि सबसे पहले आपको तो दोनों को बीट में कन्वर्ट कर लें, ठीक है, जैसे कि पहला है 32K × 1 रैम चिप, ठीक है, तो इसको पहले आप बीट में कन्वर्ट कर लेंगे तो इसका बीट हो जाएगा 32 × 1024, ठीक है, तो इसमें कर लेंगे, और फिर इसको भी 256 किलोबाइट है तो इसको भी आप कर रहेंगे तो 256 × 1024 क्या हो जाएगा 8, ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे इनसे जो इसको डिवाइड कर देंगे तो उसका आंसर आ जाएगा वो सी, ठीक है। इनसे अगर आप इसका चाहते हैं कि अच्छा मैं सॉल्यूशन करके दे दूँ तो आप कमेंट करें, मैं कमेंट में आपको जरूर इसका सॉल्यूशन का पीडीएफ भी भेज दूँगा, क्या कहते हैं वो लिख के भेज दूंगा, ठीक है, अच्छे से सॉल्यूशन करके अच्छे से लिख के भेज दूंगा आपको, ठीक है, उसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबी चली जाती है तो आप पता होगा कि नहीं तो मैं वो वीडियो बना रहा हूँ ना, ये वीडियो तो नहीं बना पाऊंगा ना पूरा, तो वीडियो बहुत लंबी चली जाती है। चलिए आगे चलते हैं, WPA मुझे आशा है कि आप भी समझते होंगे इस बात को, ठीक है, कि मैं जल्द से जल्द इस वीडियो को खत्म कर दूं। WPA2 इज यूज फॉर सिक्योरिटी, तो वाईफाई में यूज होता है, ठीक है, WPA2 सिक्योरिटी, WPA WPA2, ये हैकर्स भी यूज, हैकर्स में बहुत फायदा करता है, ठीक है, वाईफाई में यूज होता है, ठीक है। चलिए डेटा लिंक पे, डेटा लिंक लेयर इज कंसर्न्ड विद बिट ट्रांसमिशन फंक्शन, पहला इसका आंसर हो जाएगा, पैकेट नहीं होगा, रिट्रांसफर नहीं, इंस्क्रिप्शन नहीं होगा, तो ये हो जाएगा बिट ट्रांसमिशन। माइक्रो प्रोसेसर, इन माइक्रो प्रोसेसर द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड इज स्टोर्ड इन, तो प्रोग्राम काउंटर, कि माइक्रो प्रोसेसर में जो किसी भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो है कोड जो किया जाता है कहाँ पे होता है, वो प्रोग्राम काउंटर में होता है, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं, विच ऑफ दिज इज यूज टू रेफर द मेंबर ऑफ बेस क्लास फ्रॉम अ सब क्लास इन जावा प्रोग्रामिंग, ठीक है,
तो सुपर कीवर्ड से जो है आप सब क्लास से जो है किसी अपर क्लास का कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, सुपर कीवर्ड यूज करके। ठीक है, अगला चलते हैं, फाइंड हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट डेसिमल, और बहुत ही आसान सा है, 2479 को आप हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करना है, सिंपल सा 16 से इसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, और नीचे से ऊपर कर दीजिए, ठीक है, कन्वर्ट हो जाएगा, तो आप कैसे रहेगा ए 9AF, ठीक है, 54 का ए हो जाएगा। डेटा डिक्शनरी एक विशेष फाइल है जिसमें नेम ऑफ ऑल फील्ड्स इन ऑल फाइल्स, डेटाबेस का क्वेश्चन ए हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, इसमें हो जाएगा नेम ऑफ ऑल फील्ड फील्ड इन द ऑल फाइल्स। सी प्रोग्रामिंग भाषा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट वेरिएबल टाइप इन सी प्रोग्रामिंग, फ्लॉट, रियल, इन, डबल, फ्लॉट होते हैं, रियल तथा डबल होता है, रियल कोई भी इसका डाटा टाइप नहीं है, गलत, 56 बी, ठीक है। एचटीएमएल टैग क्या डिफाइन करता है, स्ट्रक्चर ऑफ द डॉक्यूमेंट, डी, इसका आंसर होगा डी, स्ट्रक्चर ऑफ द डॉक्यूमेंट, ठीक है। स्पार्स मैट्रिक्स क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जान लीजिए कितनी बार पूछा गया है, तो बता दो स्पार्स मैट्रिक्स क्या होता है, तो स्पार्स मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें जीरो की संख्या ज्यादा हो, मैट्रिक्स आप बना रहे होंगे, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो और मिनिमम नंबर ऑफ नॉन जीरो, ठीक है, तो इसका आंसर मैनी जीरो इंट्रीज, ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसलिए इसका आंसर लगा लेंगे ए। अब 59, कौन सा लॉजिक सर्किट है जो कि विच गिव्स हाई आउटपुट व्हेन इनपुट्स आर सेम, जब भी इनपुट कोई भी हो चाहे 0-0 हो या 1-1 हो, ठीक है, तो लेकिन आउटपुट हमेशा हाई आता हो, तो उसका आंसर आपको बताना है, आउटपुट लेकिन हमेशा हाई आएगा, ठीक है, तो आपको बताना है, चलिए बताएं, आप कोशिश करें, लिखें कमेंट में, अगर आपको नहीं पता सुनिए, एक्सनोर होता है, ठीक है, एक्सनोर में आप फिर 0-0 भी करते हैं तो भी आंसर 1 आएगा, यदि आप 1-1 भी करते हैं तो भी 1 ही आएगा, ठीक है, तो हमेशा हाई आता है, ठीक है। चलिए 60 का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे अब, एक प्रोग्राम है, क्या कहते हैं, किसी में या जावा में हो चाहे किसी में भी हो, ये प्रोग्राम ही है, ठीक है, सिंपल है, सी लैंग्वेज में भी हो, ठीक है, तो आप देखिए कैरेक्टर सी एच है, ठीक है, सी एच एक वेरिएबल है, एक आई एक वेरिएबल है, सी एच में जी है, तो जी का मतलब क्या 71, ठीक है, 71 इसमें असाइन हो गया होगा, ठीक है, एससीआई कोड में आपको पता है कि एसकाई कोड में इसका वैल्यू जाता है, अब यहाँ पे आई में, यहाँ पे सी एच, सी मतलब 71 माइनस ए मतलब 65, 71 माइनस 65 मतलब 6, बी हो गया इसका आंसर, ठीक है, आई बी हो गया इसका आंसर, आप इसको देख लेंगे। चलिए 60 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए, टोटल क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, कमेंट्स पता नहीं क्या क्या आ रहे हैं, ठीक है, टोटल कंप्लीट हो गए क्वेश्चन आपके, आप टोटल क्वेश्चन को देखें, अच्छे से समझें, इस टाइप क्वेश्चन आते हैं और इस बेस पे आप तैयारी करें, ठीक है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस बेस पे आप तैयारी करें, आपको जरूर सक्सेस मिलेगी, जरूर आप एक अच्छे साइंटिफिक असिस्टेंट या टेक्निकल असिस्टेंट या सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट जो भी आप तैयारी कर रहे हैं तो आप जरूर सक्सेस कर पाएंगे, ठीक है, आप इधर उधर फालतू का कोशिश ना करें, आप सही वे में करें, सही तरीका करें, तो आप जरूर सक्सेस करेंगे, ठीक है, आपके एग्जाम भी नजदीक आ रहे हैं, तो आप इस क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट भी होते हैं, और मैंने इसरो का जो सारा क्वेश्चन करवाया हुआ है ये तो था सिर्फ ये टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, ये भी आप क्वेश्चन देखें, लेकिन आप कोई अगर आप यहाँ इसरो का वीडियो देख रहे हैं, अगर इसरो की तैयारी साइंटिस्ट के लिए कर रहे हैं तो भी आप बीटेक वाले भी आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए ये था पूरा कपड़ा, टेक्निकल असिस्टेंट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो गया, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, अगला वीडियो जो मैं लाऊंगा वो बीएसएससी में जो टेक्निकल असिस्टेंट का क्वेश्चन आया हुआ उसको मैं लाऊंगा, ठीक है, अभी मैं फिलहाल करूंगा सारा का सारा टेक्निकल असिस्टेंट जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट का सारा मैं करवा दूंगा, ताकि वो सारे क्वेश्चन पता चल जाए कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें प्लीज, ठीक है।